ट्रैक पे आ जाओ, बता दी मैंने अपनी बात। आरसी सर्किट, कौन सा सर्किट? आरसी सर्किट में हम पढ़ चुके भाई साहब, चार्ज आया था क्यू बराबर सी वी वन माइनस सी की पावर माइनस टी बाई आर सी, क्यू बराबर सी वी वन माइनस सी की पावर माइनस टी बाई आर सी। फिर हमने उसमें पोटेंशियल में बात कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, फिर मैंने आपको एक अच्छे सवाल कराया आर वन सी वन आर टू सी टू वाले, किसी टाइम टी पे चार्ज वार्ज पूछ ले मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने आपको बोला कि भाई साहब अगर मान लो अपन दो बातें करी टी को सू जीरो टी को सू इनफिनिटी पे, हमने बोला वी कैन रिप्लेस कैपेसिटर बाय सिंपल वायर एट टी को सू जीरो एंड वी कैन रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट एट टी को सू इनफिनिटी एट टी को सू इनफिनिटी। कोई ब्रेक वाली बात नहीं, यहां तक की बात अपन ने कर ली, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। चलो भाई यहां तक अपन ने बात की, फिर अपन ने टी को सू इनफिनिटी पर ही हमने बोला कि कैपेसिटर में चार्ज होता है क्यू मैक्स, क्या होता है उसके मैंने आपको तीन चार सवाल कराए थे लास्ट टाइम, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी याद है कि नहीं है? उसी का थोड़ा और अच्छा बात करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा आने वाला नहीं है बट फिर भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि जो मैंने भी आपको दो चार पांच सर्किट लास्ट कराए थे उसमें मैंने आपसे पूछा था t इक्वल्स टू जीरो में क्या करंट है, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे क्या करंट है, उस पर क्या क्यू मैक्स है, जो आपने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था क्यू बराबर सी वी वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, क्यू बराबर सी वी वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला सिर्फ तब लग सकता है जब एक आर और एक सी, एक आर और एक। मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि हालांकि ये सब टिपिकल सवाल है तो सुन लो एक बार ध्यान से देख, मान लीजिए कि ऐसे अपनी बैटरी है, ये अपना रजिस्टर खुबज 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 और ऐसे खुबज 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 और ये कैपेसिटर। ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं, आर 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 और ये बी, ये कोई सिंपल आर सी सर्किट नहीं, सिंपल आर सी सर्किट थोड़ी है कि सिंपल एक आर और एक सी, ऐसा सवाल नहीं है। अगर ये सिंपल ऐसा नहीं है आर और सी का तो अब क्या करें? अब हमसे पूछे जाए बताओ उस पर टी को सू जीरो पे करंट बताओ, टी को सू इनफिनिटी बताओ, क्या बता सकते हैं? क्यू मैक्स पूछेंगे बता सकते हैं? yes, मैं ये सवाल करा चुका हूं, सबसे पहला सवाल क्यू मैक्स के लिए आई थी सी वी बाई टू, अरे कितनी आई थी? कितनी आई थी? हमें सब कुछ आता है, हम बहुत खुश है, पर हमसे पूछा ही नहीं। हमसे पूछा फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो क्या इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं क्यू बराबर सी वी वन माइनस सी की पावर माइनस टी बाई आर सी? वो तो सिर्फ तब लगता था जब एक आर और एक, यहां पे तो भाई साहब चार्ज मैक्स ही सी वी बाई टू है। तो मुझसे पूछ लिया गया चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, हालांकि टिपिकल बात है, 10-10 नंबर सब्जेक्ट के सवाल है अगर ऐसे आ जाए तो, पर अपने को फॉर्मेट समझ में आनी कैसे, सुने बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मान लो किसी बेसिकली हमें चाहिए क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, सो एट एनी टाइम टू कंसीडर अ सर्किट। तो ये जीरो ये अगर अपना सी है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, तो क्या यहाँ पे क्यू बाई सी, ये जीरो था यहाँ पोटेंशियल कितना, अरे मुझे लगा है तुम्हें आया, बहुत बढ़िया साहब। ये जीरो जीरो ये बी, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एक्स, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी टाइम हो कुछ भी हो क्या जंक्शन लॉ विल बी सेटिस्फाइड, जंक्शन लॉ विल बी, सो लेट मी टेल यू द जंक्शन लॉ, एक्स माइनस वी बाई आर प्लस एक्स माइनस जीरो बाई आर प्लस एक्स माइनस टू बाई सी बाई आर, बोलो क्लियर है? सो थ्री एक्स इक्वल टू वॉट, थ्री एक्स इक्वल टू सी वी माइनस क्यू बाई सी वी अपॉन थ्री। देख मैंने उस गलती तो नहीं करी, कैलकुलेशन तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, कुछ भी सवाल बना देता हूँ मुझे फॉर्मेट पता है बस। तो x इक्वल टू सी वी माइनस क्यू अपॉन थ्री सी वी, क्या पिक्चर एकदम क्लियर? अब आ नहीं है, हाँ ना बोल। तो भाई साहब आया सी वी माइनस क्यू अपॉन थ्री सी वी, यहां तक बात क्लियर है? सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला बहुत बढ़िया साहब। तो सी वी माइनस क्यू अपॉन थ्री सी वी, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब देख क्या इसमें जो वी वी प्लस प्लस सी वी प्लस क्यू बाई थ्री सी, सही कर रहा हूँ बिल्कुल, क्यों एक्स 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 है ना, थ्री सी सी वी प्लस क्यू बाई थ्री सी, ठीक भाई साहब। अब एक बार एक्स आ गया, एक बार क्या आ गया एक्स, एक बार एक्स आ गया तो ध्यान से इसमें जो करंट बह रहा है आई इस वाले सेगमेंट में, क्या वो ही आई डी क्यू बाई डी टी है? yes, ये वाला आई डी क्यू बाई डी टी है जो इस सेगमेंट में करंट बह रहा होगा, वही तो क्यू से रिलेटेड है। yes, वो क्या लिखा गया डी क्यू बाई डी टी। अब सोच आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है एक्स माइनस क्यू बाई सी। इस आई की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस क्यू बाई सी बाई आर, और ये वाला आई डी क्यू बाई डी टी है। तुझे मेरी बात समझ? अरे जो इस सेक्शन में करंट आ रहा है वही तो आई डी क्यू बाई डी टी है, वही तो आई।
अरे नहीं आया, वही तो आई डी क्यू बाई डी, लो भाई सब आई बराबर डी क्यू बाई, तो आई के लिए लिखी गई डी क्यू बाई डी टी और इसे लिखा गया x माइनस क्यू बाई सी बाई आर और x की वैल्यू कितनी है देखना, कैलकुलेशन बिल्कुल सही क्योंकि बिल्कुल नया सवाल है। 3c माइनस क्यू बाई सी बाई आर, बोलो सही कर रहा हूं क्या? ध्यान से तो सीवी माइनस टू क्यू अपॉन थ्री आर सी, देखो गलती तो नहीं कर रहा, इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सो डी क्यू बाई डी टी इज डी क्यू बाई सी वी माइनस टू क्यू इक्वल टू डी टी बाई थ्री आर सी। समय शून्य पे चार्ज जीरो है, समय टी पे चार्ज निकालना है तो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। इसका इंटीग्रेशन कितना है? माइनस एल एन सी वी माइनस टू क्यू अपॉन सी वी, डायरेक्ट लिख दिया, कंफ्यूज तो नहीं हुए? अरे पक्की बात, तो गड़बड़ तो नहीं करी? माइनस वन बाई टू, बोलो सही है क्या? माइनस वन बाई टू एल एन सी वी माइनस टू क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू टी बाई थ्री आर सी, तो उधर ले गए तो कितना आया, इधर माइनस टू को ले गए तो माइनस टू टी बाई थ्री आर सी, फिर e की पावर में ले जाएंगे, किसमें ले जाएंगे? e की पावर में, और cvc की ले जाएंगे, फिर cv उधर ले जाएंगे तो q की वैल्यू आएगी, देखा मैं एक स्टेप कर रहा हूं बीच में, cv बाई टू वन माइनस e की पावर माइनस टू टी बाई थ्री आर सी, अरे एक स्टेप बीच में खा गया, कैलकुलेशन वाली देख सही लिखा गया, अबे एक स्टेप खाइए थोड़ा तो, बस देख लो सही लिखा है क्या मैंने, तो आंसर आया cv बाई टू वन माइनस ई की पावर माइनस टू टी बाई थ्री आर सी। अब आप ध्यान दे तो दिस इज द चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड दिस इज द प्रोसीजर विच यू हैव टू फॉलो इन एनी ऑफ द जनरल सर्किट, इन एनी ऑफ द मैं कोई भी और भी सर्किट ले सकता हूँ, मेरे को जो भी अच्छा लगा मैंने कर दिया और ये वाला इसलिए क्योंकि ऐसा मैंने तुम्हें कराया था। अरे भाई हाँ ना बोल, ताकि मैं तुझे वेरीफाई करा पाऊं दैट t इक्वल टू इनफिनिटी पर क्या चार्ज cv / 2 आना चाहिए, क्या इस सवाल में qmax cv / 2 आया था, इसमें t इक्वल टू इनफिनिटी रखो, इसमें t इक्वल टू इनफिनिटी रखो, क्या cv / 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, तो cv / 2 आ गया है ना, तो इसका मतलब अपन ने सही पढ़ा, तो इक्वेशन इन जनरल सर्किट जो आई, जनरल सर्किट मतलब कोई भी, ये कोई रटने का रिजल्ट नहीं है, इस पर्टिकुलर सवाल का है, क्या ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं? yes, अगर कभी आ जाए तो कोई उनका स्टैंडर्ड फॉर्मुला नहीं है, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच यू हैव टू फॉलो, विच यू हैव टू अप्लाई जंक्शन लॉ, क्यू निकालो उसका, उस सेक्शन में करंट निकालो, किस सेक्शन में? जिसमें कैपेसिटर है, जिस सेक्शन में, और उस करंट को लिखो डी क्यू बाई डी टी, फिर ले जाकर इंटीग्रेट करो तो एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में कुछ कुछ आंसर आएगा, हमेशा ऐसा ही होगा, पर वो कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, बता इसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उतार लेंगे तुम लोगों ने। अब वैसे है ना, ध्यान सुनो, Q बराबर cv / 2 1 minus e की पावर minus 2t / 3rc, this is the basic procedure which you have to follow if you get any kind of other कोई भी सर्किट और आ जाए, बहुत ज्यादा आने के चांसेस नहीं है। हाँ, आप एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, कैसे समझे उसको पहले अच्छे से समझे, शॉर्ट ट्रिक कैसे समझ, शॉर्ट ट्रिक कहती है कि आप फॉर्मूले को ऐसे रख लो q बराबर qmax, क्या qmax निकालना आपको आता है? qmax निकालना क्या t इक्वल टू इनफिनिटी पे? qmax q इक्वल टू qmax 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय r इक्विवेलेंट c, t बाय r c होता है, देख बाकी एक्सप्रेशन वैसी है, देख इसमें देख क्या qmax c, क्या qmax इसमें जब निकाला था cv / 2 आया था, कितना आया था वो निकालना आता है कि नहीं आता है, तो ऐसे समझो इस शॉर्ट ट्रिक को ऐसे लिखो, लिखो qmax इस चार्ज एट t इक्वल टू इनफिनिटी, जो आपको निकालना आता है चार्ज एट t इक्वल टू इनफिनिटी। अब बात आती है r इक्विवेलेंट की, किसकी आती है r इक्विवेलेंट, कैसे निकालना सुने, r इक्विवेलेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि रिप्लेस बैटरी बाय प्लेन वायर, रिप्लेस बैटरी बाय प्लेन वायर, कैपेसिटर होगा
तेरे को याद है नहीं शॉर्ट ट्रैक याद है क्या? तो मुंह बंद हो गया रिप्लेस बैटरी वाया प्लेन वाया एंड कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। हाँ सही भाई इधर सुन, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। बेसिकली अब आप क्या करो, जैसे मान लो आप कैपेसिटर को ऐसे लगे, देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने, किसको प्लेन वायर से रिप्लेस करोगे? बैटरी को। और किसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालोगे? कैपेसिटर। तो ऐसा सर्किट बना, आर और आर आर बाई टू प्लस आर, क्या आर इक्विवेलेंट इज 3R/2? क्या क्यू में से CV/2? तो इस सवाल का डायरेक्ट आंसर आ गया CV/2 वन माइनस ई की पावर पी बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट इज हाउ मच? 3R/2 × C। तुम्हें मेरी बात समझ, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो पूरा कर लेना, अगर नहीं है तो एक्चुअली। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसमें डिफरेंट मत रहो, क्योंकि ये सिर्फ तब काम करता है जब एक ही कैपेसिटर हो। अगर मान लो बहुत अच्छा सवाल कोई दे दे, पागल हो जाए और दो कैपेसिटर लगा दे, अरे लगा सकता है ना, तो मेरी शॉर्ट ट्रिक वॉट्रिक सब फेल। इसलिए बेसिक मैंने पहले सिखाया है, पहले जो मैं बोला चमका, हालांकि सेक्शन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी हमको शॉर्ट ट्रिक क्लियर होनी चाहिए क्या करा हमने। प्रदर जो मैं बोला चमका, अगर आपको मेरी बात समझे तो शॉर्ट ट्रिक से एक सॉल्यूशन निकाल के बता दो, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ भाई, तू मेरी जिंदगी है। तो टफ हो गया क्या? टफ तो हो जाएगा ये कराऊं है? चलो थोड़ा टफ है पर ये उड़ गए तोते। इधर देखिए, कैसे लगता है? बेवकूफ बनाया है ये। आर और आर कितना? और टू आर और आर, ये तो पैरेलल ही हुआ ना। टू आर और आर कितना हुआ? 2R/3। तो इसे 2R/3 से रिप्लेस कर दो, सर्किट इतना ही बचा है। अरे यार क्या वो बनाओ मत बनाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे? सर्किट को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो मतलब है नहीं ना, तो पैरेलली तो है। अब सुन, अगर हमें सबसे पहले शॉर्टर के लिए क्या चाहिए? Qmax. क्या चाहिए? Qmax का मतलब सर्किट एंड इनफिनिटी। सर्किट एंड इनफिनिटी का मतलब कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट। कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वो ही इनटू सी क्या Qmax होगा। देखना कोई गलती नहीं करो, आपके सामने सॉल्व बनाया अभी। तो 2R/3 + R कितना? 5R/3। तो करंट कितना आया? 3V/5R। 3V/5R। अरे करंट तो 3V/5R आया ना, तो करंट अगर 3V/5R है तो यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 3V/5R into 2R/3। तो 3 ने 3 को मार दिया, R ने R को मार दिया, क्या 2V/5? अरे बेकार रिस्पॉन्स। क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया 2V/5? नहीं आया। 2V/5 तो इसके क्रॉस भी हुआ 2V/5। तो Qmax कितना हुआ? C × 2V/5। तो Qmax आ गया 2CV/5। अरे भाई साहब क्या आ गया तुम्हें दूर दूर तक समझ? अब बात आती है R इक्विवेलेंट की। R इक्विवेलेंट के लिए बोला गया कि इज रिप्लेस बैटरी बाय अ प्लेन वायर।
replace battery by a plain wire and calculate R equivalent across capacitor. तो ये है 2R by 3, ये है R और ये है R. तो R और 2R by 3 parallel में कितना हुआ? R into 2R by 3 यानी कि 5R by 3. R by 3 ने R by 3 को मार दिया. 2R by 5 plus R. 7R by 5. तो आंसर आया 2CV by 5. 1 minus e की पावर 7R by 5 है ना, तो minus 5t by 7RC. विश्वास ना हो तो बेसिक से करके देखो. अरे भाई साहब, तुम्हारे प्राण प्रखेरू. हालांकि इसके आने के ज्यादा चांसेस नहीं, पर उसको मतलब नहीं, तुम्हें आना चाहिए. फिक्स प्रोसीजर है, आपको समझ में आना. अगर कोई भी एक नॉर्मल आरसी सर्किट हो तो उसका चार्ज वार्ज सब कुछ निकालना मुझे आता है. अगर वो सर्किट एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मल मतलब वो सिंपल आर या सी ना हो, कुछ और भी हो, तो हमें बेसिक से जाना पड़ेगा. और एक शॉर्ट ट्रिक भी हमें आती है, जिसमें क्यू बराबर क्यूब एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट इनटू सी है. देखो कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं करी मैंने. चांसी महबूबा हो मेरी कब. क्या इसमें पैपे करना बंद कर दूं? एकदम क्लियर है. तो अगर कोई भी जनरल सर्किट हो उसमें अगर अपने को कोई भी आर इक्विवेलेंट मतलब अगर अपने को फॉर्मूला निकालना हो तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत. चलिए बहुत बढ़िया. और सुन, इस तरीके के सवाल हो गए अपने नॉर्मल सवाल वाले तरीके के कर लिए. और किस किस प्रकार के सवाल आते हैं ध्यान से सुन. और लिख डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. लिख डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. उसी तरीके सारे ग्राफ ग्राफ सब ऐसे आएंगे, ध्यान से सुनना कहानी. डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर देख कैसे. मान लो कि आपका कैपेसिटर जो है भाई साहब पहले से चार्ज है, वी वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया. तो मान लो इस पे चार्ज आ गया क्यू नॉट और यहाँ आ गया माइनस क्यू नॉट. अब हमने क्या करा कि इसे t=0 पर एक आर रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया. बैटरी नहीं है सिस्टम में कहीं पे भी, हमने कैपेसिटर को चार्ज करा कितने वोल्टेज पर. तो मान लो इसमें चार्ज आ गया क्यू नॉट. कितना आ गया? नींद आ रही है? लाइट बंद कर दो. सब आराम से सो जाते हैं, 4 बजे जा जाएंगे. क्या कहते हो यार? क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट हमने पहले कैपेसिटर पे चार्ज दे दिया और हमने उसे रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया. चूंकि हमने रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, चूंकि हमने रजिस्टर से कनेक्ट और अपने आर लगा लिया और ये बैटरी ऐसे, क्या आपको नहीं लगता कि कैपेसिटर की एनर्जी विल डिसिपेट इनटू रजिस्टर? क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस वो पोटेंशियल आ गया जो कैपेसिटर के अक्रॉस है. कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है कितना है? क्यू नॉट बाय सी. क्या वही इसके अक्रॉस आ जाएगा तो क्या करंट बहेगा? करंट बहेगा तो इसमें एनर्जी कहां से आएगी? कैपेसिटर. तो कैपेसिटर की एनर्जी घटेगी और रजिस्टर में डिसिपेट. क्या फाइनली ऐसा नहीं होगा कि कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. फाइनली क्या होगा कि कैपेसिटर पूरा बहुत बढ़िया साहब, बिल्कुल सही बात है. तो वही पूछा गया कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी. मान लो कि किसी भी टाइम टी पर कैपेसिटर पे, मान लो कि किसी भी टाइम टी पर कैपेसिटर पर चार्ज हो गया ये क्यू और ये माइनस क्यू. और इस समय मान लो कि रजिस्टर आर है और सर्किट में करंट बह रहा है आई. कितना बह रहा है? इस इंस्टेंट पर इस पे पोटेंशियल कितना है? प्लस माइनस क्यू बाई सी. और इस पे कितना है? आई आर. कितना है? बेकार रेस्पॉन्स. अगर सब कुछ बैलेंस्ड है तो क्या आई आर इक्वल्स टू क्यू बाई सी? आई आर इक्वल्स टू, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? एंड आई इज व्हाट? करंट. इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी या माइनस डी क्यू बाई डी टी? आई को क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डी माइनस डी क्यू बाई डी. आई के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी बाय, क्योंकि चार्ज घट रहा है.
अरे आई के मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, माइनस माइनस डी क्वांटिटी क्यू, तो डी क्यू क्वांटिटी नेगेटिव होगी ना, डी क्यू क्वांटिटी क्या होगी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे हाँ ना बोल दो, तो हमने उसे डी क्यू क्वांटिटी लिख दी, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत मजा आया बाबा। अब हमने इसे लिख दिया तो देखो माइनस डी क्यू बाई डी थी इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई आर सी, क्यू को नीचे ले आओ तो डी क्यू बाई क्यू इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई आर सी, देख रहे कैलकुलेशन गलती नहीं करें, समय शून्य पे चार्ज कितना है, क्यू नॉट, समय शून्य पे चार्ज कितना है, कितना है, क्यू नॉट, और समय टी पे क्यू, वही तो निकालना है, डी क्यू बाई क्यू का इंटीग्रेशन एलएन क्यू बाई क्यू नॉट, एलएन क्यू बाई क्यू नॉट, ऐसे लिख लो इसको, क्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, क्या क्यू की वैल्यू आई क्यू नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी, क्या कुछ कुछ देखी देखी सी इक्वेशन लग रही है, पर ये चार्ज की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, अगर आप ध्यान से देखो तो अनंत समय आते आते चार्ज घट घट कर जीरो हो जाएगा, और अगर अपन ध्यान से देखें तो समय 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 शून्य पर अगर चार्ज क्यू नॉट है तो क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, और टी का अगर ग्राफ बनाया जाए तो इट स्टार्ट्स विद क्यू नॉट एंड इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस। अगर बात करी जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है एक्सप्रेशन को, वही पुरानी बात, q बराबर q मैक्स e की पावर माइनस t बाई टाउ, अरे भाई हाँ ना बोल। अगर बात करी जाए कि टाइम की वैल्यू अगर 1 टाउ रख दी जाए तो क्या q की वैल्यू आ जाएगी q मैक्स बाई e, दैट इज 0.37 ऑफ q मैक्स, अरे भाई हाँ ना बोल। मतलब क्या एक टाइम कॉन्स्टेंट में सिर्फ 37% चार्ज रह जाएगा, कितने प्रतिशत, 37%, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, अरे कभी तो हाँ ना बोल। मैं तो कह रहा हूँ कोई आपसे करंट का ग्राफ भी पूछे तो करंट इज बेसिकली माइनस डी क्यू बाई डी टी, अगर आप माइनस डी क्यू बाई डी टी निकालो तो देखो यहां से लिखा जाएगा क्यू नॉट बाई आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अबे माइनस डी क्यू बाई डी टी के लिए क्या हुई वहां पर, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन बाई आर सी, माइनस ने माइनस को, क्या करंट आया आई बराबर क्यू नॉट बाई आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, क्या क्यू नॉट बाई आर सी इज द आई मैक्स, क्यू नॉट बाई आर सी इज द, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो करंट को फिर से लिखा जा सकता है आई बराबर आई मैक्स ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ध्यान से देखो तो अगर करंट और टाइम का ग्राफ बना लिया जाए, करंट और टाइम का ग्राफ बना लिया जाए तो क्या वो भी ऐसा ही आएगा, अगर करंट और टाइम का ग्राफ बना लिया जाए तो वो भी ऐसा ही है जैसा इसका आया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया कि नहीं आया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग, क्या चीज उतार कुछ समझ नहीं आया भेजे कुछ, तो फिर से वैसी बात कि अगर आपसे डिस्चार्जिंग सर्किट में किसी भी इंस्टेंट पर अगर चार्ज पूछ ले तो आपके लिए निकालना कोई खास बात, कितनी देर बाद क्या एनर्जी बच जाएगी वो भी लिखी जाएगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी। कोई आपसे पूछ ले कैपेसिटर की एनर्जी जा कहां रही है, रजिस्टर की हीट में, किसमें जा रही है, रजिस्टर की हीट में, दोनों एक्सप्लेनेशन ग्राफ है, बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जैसे उनमें पूछे जाते हैं आपको आने चाहिए। क्या कहते सीधा सीधा थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है यार, है ना, इधर है सुनी। तो ये अपना डिस्चार्जिंग था, क्या था, चार्ज या फंक्शन ऑफ टाइम टू पूछ ले, करंट या फंक्शन ऑफ टाइम टू पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, जैसे एक बार एक एग्जाम में सवाल आया था, हालांकि वो इंडक्टर वाले केस में आया था, पर कैसे करा था उन्होंने, क्या करा, मैंने देखो ऐसे ln i by i नॉट, ln इधर i by i नॉट तो e की माइनस t by rc, माइनस t by rc, आप देखो तो ऐसे लिख सकते हैं ln i इक्वल्स टू ln i नॉट माइनस t by rc। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ln i और t में कैसा ग्राफ है, ln i और t में कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग स्लो, मतलब विद विद नेगेटिव स्लो, तुम मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। उन्होंने क्या करा था उस ग्राफ को बनवाकर, मैं सिर्फ ऐसे हिंट दे रहा हूं क्योंकि ये एग्जैक्ट सवाल जेई में इस चैप्टर में नहीं आया,
या ऐसा इंडक्टर, मैंने बोला था ना वो एक एलआर सर्किट आएगा, तो मैं आज बोल रहा हूँ उस चैप्टर में दोबारा नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने ऐसे करके एक ग्राफ आया, ऐसे उन्होंने दो ग्राफ बना लिए, जैसे आज मैंने R1 C1 बनवाया था, क्या बनवाया था R1 C1। अब देख अगर दोनों का LNI0 सेम है तो क्या स्लोप 1/RC पर डिपेंडेंट है? वन बाई RC। अगर देख ध्यान से देखो I0 था क्या, I0 क्या है, Q0/RC, Q0/RC। अब उन्होंने वो तो सेम कर लिया पर उन्होंने स्लोप्स पे कमेंट करा लिया, किस पे? अगर आपको दो ऐसे 1 और 2 के ग्राफ दे दिए जाएं तो आप क्योंकि स्लोप पे कमेंट कर सकते हो भाई किसका आरसी ज्यादा होगा किसका आरसी कम होगा, क्योंकि जिस स्लोप से पता पड़ेगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका आरसी कम, जिसका स्लोप कम उसका आरसी, क्योंकि स्लोप आ रहा है -1/RC, क्या आ रहा है मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो याद रखना ऐसा सवाल LR सर्किट में आगे आएगा, है मैथ्स, है मैथ्स, वो इधर उधर करके आपसे कर सकता है। तो आप चाहो तो बस वो लिख लो कि LNI = LNI0 - TRC, ऐसे लिख सकते हैं, एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन LNI एंड T, इट्स अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन LNI एंड T। टाइम है वैसे, एक आध अच्छा सवाल इसी पे करा देता हूँ, थोड़ी अच्छी चीज बता दो, एक आधा ही है, डायरेक्टरी अगले टाइम चालू करेंगे। डायलेक्ट्रिक, रियल केमिस्ट्री तो डायलेक्ट्रिक के साथ ही होता है, तुम जो पढ़ रहे हो सफर जी क्यों पढ़ा रहे हो, कोई सवाल इसी बात है। आओ जी भाव जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। हाँ भाई चलिए इधर देखिए, जैसे याद कर कि हमने ऐसे सवाल कर रहे थे, तो याद हो तो कि एक कैपेसिटर था उसके साथ एक और कैपेसिटर था, दोनों को चार्ज करा, बताओ फाइनल चार्ज दोनों पे क्या हो गया, चार्ज फ्लो याद कर, उसमें हीट वीट भी निकाली थी, इनिशियल एनर्जी माइनस, वो हीट किस में जा रही थी, जो असली में था पर हमने बनाया, क्योंकि हमने फाइनल स्टेट पे चर्चा, बोलो यस और नो। मान लो चलो एक सवाल ले लेते हैं, डेटा वाला लेते हैं, तुम्हारे मिलके करते हैं सर, है ना, अच्छा सवाल बनाते हैं, अक्का लगा रहे कोई गलती करेगा तो मैच नहीं करेंगे अपन वहां से। मान लो कि 2 माइक्रोफेरेड है, कितना है, और इस पे चार्ज करा 10 वोल्ट, कितना करा, और मान लो 3 माइक्रोफेरेड है, इस पे चार्ज करा 5 वोल्ट, कितना 5 वोल्ट, और मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब तो पहले मेरी बात सुन, फाइनल चार्ज क्या होगा, 2 × 10 = 20, 3 × 5 = 15, 35, फाइनल आएगा 7 वोल्ट, 7 आएगा ना, वो भूल गया जो लोग याद है, भूल गया 7 वोल्ट, तो इस पे चार्ज कितना आएगा फाइनली 14, और इस पे कितना आएगा 21, बोलो क्लियर है। तो देखो तो चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ होगा 20, यहाँ 14, क्या 6, कितना 6, पर ये फाइनल स्थिति है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द चार्ज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी ऑन दिस, व्हाट इज द चार्ज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी ऑन दिस, ये जो सिचुएशन थी जो फाइनल थी ना, टोटल चार्ज फ्लो कितना था 6, अरे कितना था, कितना था 6, इसमें कोई शक वाली बात। सपोज कोई भी आपसे पूछ रहे कि बताओ कि बताओ इस पे क्या चार्ज है, इस पे क्या चार्ज है, टिपिकल क्वेश्चन आपके सामने बनाया, मिलके करते हैं फाइनल सिचुएशन, तो पता है अगर हमारा आंसर मैच करेगा तो उसमें टी क्वेश्चन इन्फिनिटी डालने पे आंसर मैच नहीं करेगा, अगर अपन गलत करेंगे, तो इसमें पूरा ध्यान रखना, तुम्हारे सामने बिल्कुल सवाल बनाया है, पर फाइनल प्रोसीजर हमें आता है, हमें क्लैरिटी की हमें क्या करना है। अब हम मान लेते हैं, हम तुम ऐसे करते हो सर, कॉन्शियस हो जाता पढ़ाने का, वो मेरा तरीका हो गया पढ़ाने का, तुम्हारा भी तरीका पढ़ने का, हम मान लेते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसी बच्चे में, 10 × 2 = 20, मान लो कि चार्ज फ्लो करा Q, किसी भी इंस्टेंट पे कितना फ्लो करा Q, मान लो चार्ज फ्लो करा Q, तो इस पे कितना बच गया, ये 20 था या -20, यहाँ कितना था
15, यहाँ कितना था माइनस 15, 15 यहाँ बचा 20 माइनस और यहाँ यहाँ माइनस 15 और माइनस 20 प्लस क्यू, बोलो क्लियर। और मान लो इस समय करंट है आई, कितना है आई, स्टडी स्टेट आई है। तो यहां हो गया आई आर, यहां ड्रॉप कितना हो गया। अब पूरा लूप लॉ लगाते हैं, पूरा क्या लगाते हैं लूप लॉ, तो लगाना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो हर इंस्टेंट पे लूप लॉ सेटिस्फाई होगा। प्लस माइनस ऐसे घूमते हैं, ये वी वन, ये वी टू, ये वी थ्री, माइनस से प्लस बड़े घटे कितनी है 20 - 2/2। सही है। अरे हाँ हाँ बोल, वो 2 × 10⁻⁶ है वास्तविकता में। क्यों ये है माइक्रो, अरे भाई हाँ ना बोल, तो 2 फैराडे ले लेते ना, क्यों कंफ्यूजन करें साला, इन्होंने चार्ज माइक्रो तो बट 2 फैराडे लेते हैं, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करें। हाँ ठीक है, दूरी आएगा पर कम से कम अच्छा तो लगेगा, नहीं तो माइनस माइनस में खेलते रहेंगे। 20 - q/2, v1 कितना, v2 कितना, v2 कितना 2i, अरे सही बोल रहा हूँ क्या, आई है ना। v3 कितना 15 + q/3, हाँ तो उसको ले आओ, तो 2i = 15 + q/3 -20 - q, नहीं सही तो नहीं है, 20 - q/2 -15 + q/3, बोल यस और नो। एलसीएम जो 60 - 3q -30 - 2q, सो 2i = 30 - 5q/6। तुम्हें दूर दूर तक समझ, 5 वर्ग, भगवान ही लगता नहीं रहा जाएगा। अब आई, आई क्या चीज है, अरे करेंट है सबको पक्का, डी क्यू बाई डी 15 + q, इसमें जो करंट आ रहा है बेसिकली डी ऑफ 15 + q/dt इज आई। अरे इसमें जो करंट है एट टाइम जो 15 + q है ना, उसका डिफरेंशिएशन है तो करंट ही, तो बेसिकली आई है dq/dt। अरे 15 का डिफरेंशिएशन करो तो क्या है, जीरो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आया, पर समझ में ऐसे आना, वो लिखेगा तब भी वही आएगा, नहीं तब -20 - q/dt लिखेगा क्योंकि घट रहा है उसमें चार्ज, इसलिए मैंने उसे समझाया ही नहीं ताकि तुझे कंफ्यूजन। i = dq/dt, कंसेप्चुअली सब कुछ सही है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी एरर कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि हमें फाइनल आंसर पता है, इसे मैच करना जरूरी नहीं, तो कुछ भी आता साला मान ले। i = dq/dt कोई बुराई नहीं, तो dq/30 - 5q = dt/12, समय शून्य पे कितना चार्ज है, कितना है, कितना है जीरो। अबे q इज द चार्ज फ्लोन, समय सब शून्य पे कितना चार्ज फ्लो है, ये q क्या वो चार्ज है कमीशन प्लेट पे, या q वो चार्ज है चार्ज फ्लोन है, तो चार्ज फ्लोन कितना है, जीरो। जीरो से t q, तो -1/5 ln(30 - 5q/30,
इक्वल्स टू माइनस 5t/12। कभी तो हाँ ना बोल। भगवान जाने क्या रहा है। कई लोग सो लिए पीछे, आना वाना इसका है नहीं, परेशान करेगा ऐसी। 30/5 कितना? 6। देखिए क्वेश्चन सही है क्या? देखिए सही है क्या? अब सुन, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे कितना चार्ज फ्लो हो जाना था? 6। कितना? 6। रख इंफिनिटी। अरे है कि नहीं? अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द चार्ज, बात नहीं, व्हाट इज द, सही आया एकदम। कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आंसर क्या होगा? 20-q और q की वैल्यू वेरी। अरे यार, किसी टाइम t मान लो 1 कैपेसिटर है, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1, तो आप लिखोगे 20-q और q की वैल्यू 20-6 - 6 e^-5t/12। तो 20-6 कितना हुआ? 14-6 e^-5t/12। अब देख, समय इंफिनिटी पर पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज क्या होना चाहिए था? 14। इंफिनिटी तक इसमें, अरे इंफिनिटी तक इसमें 14 आ रहा है क्या? अरे मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। ऐसे अगर Q2 वाले पे चार्ज की बात करें तो उस पे चार्ज होगा 15+q। कितना? 15+q करोगे? एक मिनट, ये क्या करा मैंने, 20-, यहाँ प्लस आएगा ना? अरे भाई साहब, प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सही सही। और Q2? अरे बोलो, Q2 के लिए कितनी हुई? 15+q। यार मैंने कोई गड़बड़ करी कैलकुलेशन में? क्या बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है? पक्का? एक कहीं गड़बड़ है, नहीं सब सही है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। हाँ सही है। तो Q2 इक्वल्स टू 15+q, तो Q कितना? ये रहा। तो क्या वैल्यू आई? 21-e^-5t/12। 6। t इक्वल्स टू इंफिनिटी डालोगे चार्ज 21 आना चाहिए था, आ गया। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल, तुम्हारे प्राण प्रखेरू, ये रियल कैलकुलेशंस है। कैपेसिटर कैपेसिटर कनेक्ट कर दो, कैपेसिटर बैटरी कनेक्ट कर दो, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लो, कोई जनरल सर्किट कर लो, पूरी PhD कराइए ढंग से। हालांकि इतना ये आने का, एक मिनट, तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? उधर